हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कुछ इस तरीके से। दर्द में बैठी हुई हूँ मैं, मतलब लेटी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये हीटिंग बैग से मैं अपना जो पेट का कमर का सेक दे रही थी। हर वुमेन को होता है यार हर मंथ का, तो इस बार ही मेरे को कुछ कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो मेरे को ये हीटिंग बैग यूज़ करना पड़ा, वरना मैंने ये हीटिंग बैग लास्ट जब यूज़ किया था, जब हनी से होने से पहले मेरे को जो पीरियड्स आए थे तब, उससे पहले, उसके बाद से मैंने किया ही नहीं है ये यूज़। तो यहाँ पे मेरे फेस से पता चल जाता है कि मैं बीमार हूँ भी या नहीं, ये मैंने भी नोटिस किया है। मेरा फेस ना ऐसे उतर जाता है, क्या बोलूँ। सो सेकेंड डे आ गया है। सेकेंड डे मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन में काम, और यहाँ पे मैं बना रही थी कुकर बॉयल्ड पास्ता, जो क्विक बन जाता है। तो सारा अपना अटरम सटरम जो भी डालना होता है, सॉस, पास्ता सॉस, मैंने इस बारी ना इसमें पास्ता में डाल के देखे अपने स्वीट कॉर्न, तो मुझे ज़्यादा खास टेस्ट लगा नहीं। सो आई नेवर यूज्ड अगेन, और दैट्स इट। बस फटाफट से बना के, क्योंकि यही एक अपना ऐसा नाश्ता होता है ना, फटाफट फटाफट बनाओ। और कुकर में जब से मेरे को बनने लगा है ना, मेरे को बड़ा सही लगने लगा है। इधर चाय बनाने रख दी और इधर पास्ता बनाने रख दिया। जब तक वो हो रहा है तब तक सब्ज़ी को कट करके रख दूँगी, जिससे क्या होगा फिर मेरे को आराम से कुकर खाली होने के बाद, ये नहीं है कि छीलने पोलने में टाइम जाएगा कि नाश्ता खा रही हूँ तब तक वेस्टेज है। मैं यहाँ पे नाश्ता दे दूँगी सबको, और जो मेरा रह जाएगा उसको निकाल के 2 मिनट लगेंगे, सब्ज़ी छोक के रख दूँगी, सीटी आती रहेगी, अपना नाश्ता कर लूँगी। बस इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, फटाफट फटाफट सारे काम है। तो लौकी और दो मतलब चना के जो दोल होते हैं, दोल वाली दाल डाल के भिगो दी थी दाल मैंने सुबह, तो वो डाल के मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी। और बस आधी लौकी डाली थी क्योंकि वही बहुत हो गई थी। तो मेरे को ना शाम में पराठों के साथ लौकी खा सकती हूँ, बट ऐसे अच्छी लगती। तो अब मैं चाय बनाने रखूँगी, मुझे लगा मैंने रख दी, सो चाय बनाने भी रख दूँगी। तो बस ऐसे ही काम होते रहते, नाश्ता बना लो फटाफट, ये कर लो वो कर लो, और औरत की ज़िंदगी है, औरत काम नहीं करेगी तो कौन करेगा। हाँ तो ऐसे ही होता है, बस अपना काम करते जाती हूँ मैं। और चाहे फिर दर्द हो या कुछ भी हो, एनीथिंग हो, करना है तो करना ही है। कभी कभी अपनी लाइफ में मेरे को बड़ा इरिटेशन भी होता है, रोना भी आता है कि यार मेरी लाइफ क्या थी और क्या हो गई। मतलब क्या थी तो छोड़ ही दो, मतलब क्या हो गई है बस इतने पे ध्यान दो, थी तो छोड़ ही दो। मतलब लाइक सिर्फ बच्चा, घर, खाना पीना, बस इसके अलावा ज़िंदगी नहीं बची है यार। इसके अलावा आप बिलीव करोगे, मैं घर से बाहर भी जब निकलती हूँ, जब टैनी को नीचे ड्रॉप करना हो, टैनी को नीचे से लेके आना हो, दैट्स इट। उसके अलावा ये घर का राशन लेके आना है, तब मैं बाहर निकली हूँ। इससे पिछले हफ्ते में जब वो सिंपल के हमें शादी में जाने के लिए तैयारी करनी थी, तब कपड़े लेने गए थे तब, उसके अलावा मैं निकली ही नहीं हूँ। मतलब मैं निकलती ही नहीं हूँ, बाहर जाती दिन में तो जाती नहीं हूँ कहीं पर भी। आप सोचो, मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ कहीं पर भी, ऐसा होता है मेरे साथ में। तो यहाँ पे आज शाम में बन रही है मिक्स वेज, जिसमें आलू है, मटर है, गोभी है, गाजर है, तो और प्याज है। ये सारी चीज़ें बना के बनी है हमारी मिक्स वेज, और इसमें पनीर डाल दो, आहा क्या ही कहने, मिक्स वेज के स्वाद बढ़ जाते हैं। और टमाटर की ग्रेवी डाल के और छोको, तो और ही क्या कहने, आहा। चलो आपको एक म्यूजिशियन से मिलवाती हूँ। तो आपके घर में भी ऐसे ही बेटे लोग बर्तन लेके खेलते? मतलब मुझे तो टैनी मेरी नहीं खेली है कभी, टैनी हमेशा डॉल से खेली है, ये बर्तन से। एंड हमारे कोई भी गाड़ी हो या कुछ भी हो, उनको गाड़ियाँ बना के खेलता, गाड़ी हो या ना हो, गाड़ियाँ बना के खेलना। और मैं देखा ये सोचती थी कि शायद बचपन से बच्चा नहीं सीखता, बड़े होकर सीखता, लेकिन नहीं, बच्चों में ये जेन्युइन होता ही है कि उनके जीन्स में ही होता है ये, कि लड़कियाँ डॉल वगैरह से खेलेंगी और लड़के
आपके गाड़ी वगैरह बना के ऐसे पहिया चला के, हनी पता है घंटों घंटों लेटर रहेगा पहिया को ऐसे एक ही जगह हिलाता घुमाता रहेगा, फिर उसको देखेगा कि ये पहिया चल कैसे रहा है। तो ये ऐसे करते हैं। तो बच्चे आपके घर में भी होता है ये बताना, क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों से पूछा तो वो यही कहते हैं हाँ यार ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही करते हैं। और ये एक एक करके देख लो, सारे बर्तन ले आएगा, सारी चीज़ें ले आएगा, फिर वो जो मैंने अभी दिखाया ना वो गया है इसने, वो बनाया है, ऐसे करता है, फिर लग जाती है तो फिर रोते हुए आ जाता है। मतलब बच्चे हैं ना, कभी तो इन पर बहुत प्यार आता है, कभी इन पर बहुत गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। पर फिर यही सोच के रहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं बच्चे हैं। सो आगे वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में जो मैंने आप लोगों से बातें करी हैं वो पूरा देख के ध्यान से सुनना। कुछ लोग को समझाया है, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। अब ये देखो कढ़ाई लेके आया है, कढ़ाई में बैठ के घूमेगा और चलेगा। अब आप देखो इसको, इसके नाटक ना मतलब लड़के के अजीब ही हैं। और फिर एंड में आके रोएगा कि अब ये आगे चल नहीं पा रही है। इधर फर्श की तरफ लेके आएगा उस कढ़ाई को और वो नहीं चल पा रही है, तो वो क्यों नहीं चल पा रही है मैं उसको मतलब, ये देखो ये देखना अभी फिर चलेगा, ये देखो अब रुक जाएगा, रुक गया। फिर मैं इसको बोलूँगी रेलगाड़ी छुक छुक छुक, तो फिर चल देगा और फिर यहाँ फर्श में आके अटक जाएगा और फिर रोने लग जाएगा। ऐसे करते हैं ये बच्चे, मतलब मेरे को तो हंसी भी आती है, करते दिमाग लाते हैं कहाँ से इतना कि हम इसमें कढ़ाई छोटी सी कढ़ाई में बैठ के चलेंगे तो मज़ा आएगा। ये ऐसे क्यूट सी शक्ल बना लेता, मेरे को मिसमिसी आती है इसकी शक्ल पे ही। ओ नवाबजादे चले हैं, वो हाफ टी शर्ट हाफ जैकेट पहना है, वो फुल टी शर्ट फुल जैकेट पहनी है, वो देखो कैप भी लगाया है। मतलब बच्चे इतने महान है मेरे, क्या बोलूँ मैं, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और देखो बैग पकड़ने का तरीका, ये लड़की पता नहीं कैसे जोकर बन जाती है। ये उतार दो, इतनी ठंड नहीं है, क्या समझाऊं, इतनी ठंड नहीं है, वो तो मैंने पिना दिया क्योंकि बाइक पे लगती है। तो हम जा रहे हैं घर का राशन लेने, और मैं दिखाती हूँ अगर मैं दिख जाऊँ थोड़ी बहुत तो। ये देखो दिखी मैं थोड़ी बहुत, चलो ये पकड़ो। हाँ राशन बना सकते हैं, को कीटो बना दो। हाँ सीधे सीधे पकड़ो, सीधे पकड़ो उसको। सो मैं राशन लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, तो रात को आई थी थोड़ा सा लेट वापस मैं, अराउंड 9 से पहले पहले थोड़ा 10-5 मिनट पहले आ गई थी, तो 9 बज गए थे रात को आते आते। हाँ तो 9 बज गया था, और अभी मतलब फिर आके खाना पीना बनाया, खाना बन गया सारा, एंड लास्ट जस्ट मतलब सारी रोटियां सिक गई, सब हो गया। लास्ट एकदम जो गाय की रोटी होती है मैं निकालती हूँ रात, लास्ट में जो बचता है आटा उसके बना देती हूँ, गाय की नहीं मतलब मछलियों के लिए, उस पे गैस ख़त्म। सोचो मतलब सबने खा लिया और उसके बाद लास्ट में गैस ख़त्म हो गई, मतलब क्या कोइंसिडेंट होता है ना एक अजीब सा। सब सिक गया, सारी रोटी सिक गई, सब हो गया, वरना फिर आधा अधूरा खाना रह जाता। सो अब गैस ख़त्म हो गई, अब आज गैस लगेगी, मतलब सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म मतलब नहीं हुई, सिलेंडर के अंदर वाली गैस ख़त्म हुई। सो सामान तो हो रखा हुआ है सारा जो कल लेके आए हैं, अब लगाऊंगी आज। मैंने कहा आपको क्या दिखाऊं यार, वही सब होता है, हम जो रिपीट एंड रिपीट लाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। अब कमेंट आए हैं यार, बहुत सारे कमेंट आए हैं, कुछ का तो रिप्लाई मैं कर पाई हूँ, कुछ का रिप्लाई मैं नहीं की हूँ, कुछ का रिप्लाई करने का मन नहीं होता, समझ रहे हो यार। मैं अपना गला फाड़ फाड़ के एक्सप्लेन कर दी, कितनी बार एक्सप्लेन कर दी कि जो आप सोच रहे हो वो नहीं। देखो मैं सच बताऊं, कौन क्या दिखाता है कौन क्या नहीं दिखाता है मुझे नहीं पता, बट मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ उतना दिखाती हूँ जितना दिखाना चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरत है। मैं हर अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, क्या हो गया, जैसे कि कुछ हमारी लेडीज़ ऐसी यूट्यूबर हैं, कुछ सो कॉल्ड हमारे जिनको टैग मिल गया है बड़े यूट्यूबर बनने का, मतलब 2-3 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं, 3-4 चैनल खोल दिए हैं, तो उससे ना उनका एक वो हो गया है
क्या बोलते हैं टैग बन गया है कि वो बड़ी यूट्यूबर हैं, और तमीज़ उनमें रत्ती भर भी नहीं है किसी से बात करने की, इतनी सी भी तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। और अगर समझने वाले समझ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तमीज़ उस औरत में बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि उस औरत में पूरा सोशल मीडिया पर तमाशा फैलाया उसने। मैं जब YouTube पे नई नई आई थी तब मेरे को नहीं पता था कि YouTube पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, अपनी एक एक लाइफ नहीं खोलनी चाहिए, तब से मैं समझ गई। लेकिन वो तो यार व्यूज़ के लिए ये नाटक करना, और फिर अब ये देखा ना, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा प्यार तो ऐसा ही है, हमारा ना इनके बिना जी नहीं लगता। आपके रिश्तों में कमी आ जाए तो आप ना ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए। बहन तुम तो मत दो टिप्स, तुम मत दो टिप्स रिश्तों के ऊपर, ठीक है। तुम कुछ दिन पहले खुद रायता फैलाई थी रिश्तों के ऊपर अपना, अब मतलब यार रिश्तों के एडवाइस भी वो देता हुआ अच्छा लगता है जो उसको फॉलो कर रहा हो, है ना। और खुद का रिश्ता लटक लटका या सिर्फ व्यूज़ के लिए लटकाया या लटका रियल में भी, तो भाई तब ये टिप्स कहाँ थी। तब तुम सोशल मीडिया पे उन्हीं उसी फैमिली मेम्बर को, उसी बंदे को इतना नंगा कर रही हो, और फिर एकदम में अरे मेरा पति, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया, ओह डिस्गस्टिंग, जस्ट इग्नोर। सो हाँ, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब मैंने जो किया लास्ट टाइम, एक टाइम पे किया था, आप लोगों को याद होगा हनी के टाइम पे भी मैं रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन मैंने अपने मुँह से ये नहीं बताया आप लोगों को कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, राइट। पहले जो हुआ लाइफ में वो मैं नहीं जानती थी इतना कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने तब उस टाइम पे बता दिया। और उस टाइम पे भी यही बताना नहीं चाहिए था, वो बताने लायक बात नहीं थी कि बहन मिसिंग है ये एंड ऑल। अब आप सोचो कि कमेंट क्या आया है मुझे कि ससुराल वालों ने मना कर दिया होगा, स्वीटी है वहाँ पे, गला फाड़ फाड़ के बोल दिया पहली चीज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रीज़न है, अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लाइफ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो झूठी है, या जो बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो झूठी है। ऐसा भी कहीं से भी कहीं तक नहीं है। जो मैं दिखा रही हूँ वो भी रियल है, और जो मैं नहीं बता रही हूँ वो भी रियल है। मतलब मैं सिर्फ उतना पार्ट दिखा रही हूँ जितने में हैप्पीनेस हो, जितने में मेरी चीज़ें, जिस मेरी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या है। क्योंकि चैनल मेरा है, दुनिया का नहीं है ये चैनल, दुनिया नहीं चलाती है, मेरे सब्सक्राइबर देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं वो देखते हैं, चाहे वो 10 हो, 1 हो, या 100 हो, या 1000 हो, जितने भी हो, मैं हैप्पी हूँ उन लोग के साथ में। बट ये कमेंट करना कि ससुराल, मायका, स्वीटी, फलाना, ढीकना, अरे यार प्लीज़, जिन लोगों को मैं नहीं लेके आती उन लोगों को आप क्यों लेके आ जाते हो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी वजह से कुछ नहीं है, भैया वो भी बहन है, कोई दुश्मन थोड़ी ना है मेरी, जो मैं ना उसकी वजह से नहीं जाऊँ, यार ये कौन सा तमाशा है। और कुछ लोग बोलते हैं तब भी नहीं लिया था, वो एंगेजमेंट में भी थी, वीडियो कितनी ली है मैंने एंगेजमेंट की, कितनी वीडियो दिखाई है बताना। दूसरों के फ़ोन से तो बीन बीन के करते हैं यार, घर में जब फंक्शन होता है तो ये कहते हैं तेरे पास वीडियो है क्या, तेरे पास है, पर्टिकुलर वीडियो तो बन नहीं पाई, दूसरों से ले लेके तो मैंने वीडियो डाली थी, और आप कह रहे हो कि मैंने दिखाया नहीं। और फिर दिखाना नहीं दिखाना, उसको दिखाने से ही सब कुछ हो जाएगा। मैं दिखा दूंगी तो दिख जाएगा कि हाँ प्यार है, चाहे भले ही दुश्मन ही हो, पर मैं वीडियो के लिए कह दूँ हाँ बहन तू आ जा, दिखा दे लोगों को ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद दुश्मन दुश्मन खेलेंगे क्या यार। छोटी सी बात है, किसी को मत लाओ, मेरी ज़िंदगी है, मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक कि हैंडल कर सकूँ। क्योंकि पहले मैंने सबसे बोला, सबको बोलती थी कि मेरी कोई प्रॉब्लम होती थी कि तुम देख लो, तुम देख लो, तुम समझा लो, मैं समझ लूँ, ऐसा वैसा, लेकिन अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि अपने आप हैंडल करूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई टांग नहीं अड़ाता या कुछ नहीं कोशिश करता, सब कोई है भी है और सब कोई नहीं भी है, बस बात ख़त्म, इतनी सी बात है, लंबी खींचना नहीं है। प्लीज़ यार फालतू के कमेंट्स मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता है ना। मैं नहीं चाहती फालतू में कोई मेरी वजह से कोई और आए, मेरी वजह से और करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती बस। सो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने समझा होगा, और समझ गए हो तो थैंक यू, और नहीं समझे हो तो बहुत बड़ा थैंक यू, है ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।